तो भैया जो श्रोता के रूप में बैठे हैं वो भी ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ है। तो सौनक जी ने कहा जिनका नाम ले रहे हैं वो दोनों बड़े बिरले महात्मा हैं। कैसे महात्मा? एक है नारद जो एक जगह पर कहीं ठहरने वाले नहीं। नारद को आपने देखा होगा दो घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, नहीं, नहीं। और सनकादि हैं जो ज्यादा कहीं घूमने फिरने वाले नहीं हैं। ऐसे दो बिरले संतों का समागम कैसे हुआ? तब वहां से बताते हैं कि एक दिन की बात है, हमारे सनकादि घूमते घूमते तीर्थाटन कर रहे थे और बद्रिका आश्रम में बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं। और वहां जैसे ही पहुंचे तो एक घटना देखी, वहां उन्हें ये दूसरे संत जिनका नाम है नारद, नारद को देखा। लेकिन नारद जो पल पल नारायण नारायण जपने वाले हैं, जिनका मुख मंडल देख करके सामने वाला प्रसन्नता से खिल उठता है, ऐसे नारद आज प्रसन्न नहीं है। कारण क्या है सरकार? और नारद जी पल पल नारायण जपते हैं। अच्छा क्यों जपते हैं? हमारे संतों ने कहा हे कृष्ण नाम गायो नहीं आए करिए। आज सनकादि पहुंचे वो भी कृष्ण कृष्ण करके जा रहे हैं और नारद भी कृष्ण नारायण भजते रहते हैं। लेकिन चिंता का विषय जहां से उठा वो यही कि आज इनके मुखमंडल पर चिंता क्यों है। तो उन्होंने समस्त जीवों से कहा इस अग्नि पर आके, इस धरा पर आकर के यदि भगवान का नाम गाया नहीं, भगवान की कथा सुनी नहीं, तो वापस जाने के बाद उससे क्या होगा? नारद जी महाराज को देखते ही सनकादियों ने पूछा ब्राह्मण नारद जैसा संत इतनी चिंता में शोभा नहीं देता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी चिंता का कारण क्या है सरकार? नारद जी ने कहा महाराज मैंने इस पृथ्वी के बारे में बहुत सुन रखा था और मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके इस धरा पर गया, परंतु मैंने तो सुना था इस पृथ्वी पर जाने के लिए बड़े बड़े देवता ललायत रहते हैं कि इस पृथ्वी पर पहुंच जाएं। लेकिन मैं जब पृथ्वी पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा? सुनिए, मैं हर क्षेत्र में गया लेकिन मेरे हृदय में कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने देखा क्या? तीर्थों में जा करके मैंने देखा कि तीर्थों का जो सार है वो धीरे धीरे जा रहा है, धर्म केवल शब्दों तक सीमित रह चुका है और सरकार धर्म से केवल और केवल धनोपार्जन किया जा रहा है, धर्म के नाम पर धर्म नहीं हो रहा है। घरों में स्थिति क्या है कि पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, घर में जो साले हैं वो सलाह देने वाले हो चुके हैं। हमारी माताएं मुस्कुरा रही हैं। अच्छा इस बात को अलग ना ले जाकर के जरा ध्यान से देखिएगा, कहा गया है पति और पत्नी आपस में अगर सामंजस्य नहीं है तो चाहे वो मायका पक्ष हो, चाहे वो ससुराल पक्ष हो, या कि आपके बाहरी व्यावहारिक जन हो, उनको बात बात पे अवसर मिलेगा आपके घर में फूट डलाने का, तो ऐसा कार्य क्यों करो? ऐसे लोगों के आगे क्यों पढ़ो जो उनको अवसर दो? हमारे ब्रज में एक कहावत है दीवार बिगारे आरो और घर बिगारे सारो। लेकिन मैं इस बात को ज्यादा न्याय संगत नहीं मानता। मेरा कहना है कोई भी पक्ष हो, आपने अपने जीवन में किसी को भी अत्यधिक स्थान दिया तो आपका दाम्पत्य बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है। बेटियों की स्थिति यह है कि आज आप देख लीजिए कि आज का
जो समाज है, आज ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी बात है कि पहले हमें कोई स्थान नहीं मिलता था कि हम अपनी बात कह पाए, लेकिन आज लोगों को स्थान मिला तो हमारे घर की बहन बेटियां पहले बाहर से अगर कोई नृत्यांगना बुलाई जाती थी तो कहते सब घरों के लोग अपने द्वार बंद कर देते थे कि हमारी बहन बेटियां उन्हें ना देखें। लेकिन आज के समय में ये जो सोशल मीडिया में अभद्रता फैली हुई है, मर्यादा भंग हो रही है, कथा तो बहुत आप सुनोगे, कथा बहुत होगी, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति इस बात पे बोल नहीं रहा। घर की बहू, घर की मर्यादा जो रद्द करके और पूरे के पूरे देश नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड में नग्न नृत्य हो रहा है, तो सोचो जरा कि मर्यादा कहाँ जा रही है। और आज के समय में समाज में ऐसे ही लोग सभ्य कहे जा रहे हैं, सबसे बड़ी विडंबना ही है। कहने का भाव है प्यारे, आप किसी कला को, अपनी किसी योग्यता को, आपके पास में यदि कंठ है, आपके पास में गाने की कला है, और सरस्वती माँ कहती है कि मैं किसी की वाणी में विराजमान होती हूँ, वो मेरा आवाहन करता है, मैं आती हूँ, लेकिन आवाहन करने के बाद जब वो मेरे द्वारा इस जगत के प्रपंचों को रिझाने की बात बोलता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है और मैं ऐसे स्थान से चली जाती हूँ। इसके कारण अगर आपको माता सरस्वती की कृपा मिली है तो ठाकुर को रिझाओ, भगवान के भजन गाओ, पाप है थिरकने का मन है ना तो गोविंद के भजनों में थिरको, भगवान की भक्ति में मीरा बनकर के नाचो। वो पाश्चात्य सभ्यता को अपने ऊपर हावी मत होने दो सरकार, कलयुग की इसी स्थिति को देख करके नारद का मन इतना खिन्न हो गया सरकार कि घूमते घूमते देखते देखते नारद ने कहा पृथ्वी का जितना मैंने नाम सुना था अब पृथ्वी का सार उतना दिख नहीं रहा है।